नमस्कार दोस्तों, मैं लीना स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल माय सिंपल होम गार्डन। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ 15 ऐसे पौधे जिनको हम कटिंग से नहीं, डिवाइड करके या सेपरेट करके हम लगा सकते हैं। ये जो सारे प्लांट मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ, ये सारे ही जो प्लांट्स हैं, ये इनकी कटिंग्स जैसे हम बाकी प्लांट्स की कटिंग्स लगाते हैं, इनकी कटिंग्स नहीं लगती। इनको हमें निकाल के, इनको डिवाइड करके या सेपरेट करके ही इनके हम एक से हम कई सारे इनके हम पौधे तैयार कर सकते हैं। तो अभी जो जनवरी का मंथ चल रहा है, ये काफ़ी अच्छा सीज़न है। अभी इसके बाद में फरवरी भी स्टार्ट हो जाएगा, तो अभी जनवरी फरवरी में अभी हम इनको सेपरेट करके लगा देते हैं तो बहुत ही अच्छे से ये लग जाएंगे और सूखेंगे भी नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि वो कौन कौन से पौधे हैं जिन्हें हम अभी सेपरेट करके लगाते हैं तो बहुत आसानी से लग जाएंगे। और बहुत ही बढ़िया ये प्लांट है, बहुत खूबसूरत भी है, बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है, बहुत ज़्यादा भी इनको केयर की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए देखते हैं कौन से प्लांट्स हैं वो। सबसे पहला प्लांट है रियो का, जिसे बोट लिली भी बोलते हैं, और वेरीगेटेड, देखिए इसके लीव्स कितने अच्छे लग रही है। और ये भी प्लांट जो है फ्रेंड्स, इसे डिवाइड करके ही लगाया जाता है। ये देखिए इस तरह से इसमें से काफ़ी सारे बेबी प्लांट्स निकलते हैं और अपने आप ही ये डिवाइड होते जाता है, मल्टीप्लाई होते जाता है। तो इन्हें हम देखिए इस तरह से सेपरेट करके ऐसे हम लगा देते हैं। तो देखिए इसमें एक मैंने लगाया था, दो बन गए हैं और इसमें देखिए तीन हो गए हैं इसमें मेरे प्लांट्स। तो इन्हें हम सेपरेट करके सिंगल अलग से पॉट में लगा देते हैं तो बहुत हम इसके बहुत सारे प्लांट्स हम तैयार कर सकते हैं। देखिए मेरा ये हैंगिंग बास्केट में भी लगाए, कितने सारे ये अपने आप ही ये मल्टीप्लाई हो गए और बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, इसे बहुत ज़्यादा भी केयर की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट प्लांट है देखिए रिबन ग्रास। रिबन ग्रास भी फ्रेंड्स, इसे भी सेपरेट करके ही लगाया जाता है। ये भी प्लांट जो है कटिंग से नहीं लगता है, तो इसके जैसे जिस भी पॉट में लगा है उसे हम पूरा हम निकाल के उसके रूट्स के वहाँ से हम इसे कट करके इसके हम कई सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। देखिए मैंने इसके कई सारे जो है प्लांट्स मैंने लगाए, देखिए ये मैंने छोटे से ये मग प्लांटर में भी लगा दिया है। इसमें भी मैंने एक लगाया था तो देखिए इसमें भी देखिए तीन से चार इसमें इस तरह से ये बन चुके हैं। देखिए पूरा ही जो है कप ये भर गया है। तो इस तरह से रिबन ग्रास को भी हम डिवाइड करके लगा सकते हैं। नेक्स्ट है ये ट्राइकलर मरांटा, और ये भी प्लांट जो है फ्रेंड्स, इसे भी हम कटिंग से नहीं लगाया जाता है, इसे भी सेपरेट करके लगाते हैं। देखिए ये मैंने एक लगाया था तो इसमें ये तीन प्लांट्स मेरे तैयार हो चुके हैं। ये छोटे छोटे नीचे से पप्स निकालता है, बेबी प्लांट्स निकालता है, और इसे हम सेपरेट करके इसके हम कई सारे जो है प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। देखिए कितने छोटे छोटे, देखिए इस तरह से ये अपने आप ये डिवाइड होते जाता है। इसे हम पूरी तरह से बाहर निकाल के इनके जड़ों को हम सेपरेट करके वहाँ से कट करके इसके हम प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है देखिए अरेका पाम। अरेका पाम को भी हम कटिंग से नहीं ग्रो कर सकते, इसकी भी जो है इसे हम पॉट में से निकाल के, ये देखिए कितने सारे इसमें से, ये एक मैंने लगाया था तो इसमें ये तीन से चार इसमें ये स्टिक बन चुके हैं। तो इन्हें हम पूरा बाहर निकाल के फिर इसके जड़ों को हम कट करके इसके हम एक पाम से हम कई सारे इसके पेड़ जो है तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो है मैंने ये सारे मेरे अरेका पाम मैंने घर में ही डिवाइड करके बनाए हैं। तो आप भी अभी इस समय इनको डिवाइड करके इसके कई सारे आप प्लांट्स बना सकते हो, और ये भी प्लांट बहुत ही आसान, बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट। नेक्स्ट प्लांट है पेंडानस का। पेंडानस का प्लांट है, इसे भी जो है सेपरेट करके डिवाइड करके ही लगाया जाता है। ये देखिए मैंने इसके कई सारे जो है बेबी प्लांट्स को अलग करके इसको डिवाइड करके मैंने कितने सारे इसके पौधे तैयार कर लिए थे। ये देखिए ये मदर प्लांट था, तो इसमें से देखिए इस तरह से ये अपने आप ही नीचे से बेबी प्लांट निकालता है, डिवाइड होते जाता है। तो इसे भी हम पूरी तरह से बाहर निकाल के जड़ों को हम थोड़ा सा ढीला कर देंगे और वहाँ से कट करके इनके हम कई सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, ये एक जैसे हम रखते हैं तो हमारे गार्डन की खूबसूरती देखते ही बन। नेक्स्ट प्लांट है देखिए एग्लोनिमा, ये चाइनीज़ एवरग्रीन ये प्लांट है, और देखिए ये भी कितने सारे, देखिए ये अपने आप ही ये प्लांट जो है बेबी प्लांट्स निकालता है, अपने आप डिवाइड होते जाता है। तो इन्हें भी हम सेपरेट करके लगाते हैं तो ये बहुत आसानी से लग जाते हैं। और ये जो है अभी जो सीज़न चल रहा है फरवरी और जनवरी का, तो इसमें तो ये बहुत आसानी से लग जाएंगे। नेक्स्ट प्लांट है ये बोस्टन फर्न, तो फर्न को भी जो है डिवाइड करके और सेपरेट करके ही लगाया जाता है। इन्हें भी हम पूरी तरह से गमले से बाहर निकाल के निकाल देंगे फ्रेंड्स, और इनको थोड़ा सा हम इनके जो जड़े हैं, बहुत ज़्यादा जालीदार इसकी जड़ें होती है, उनको पूरा हम खोल लेंगे, फिर इनको ऐसे हम हाथ से खींच के दोनों को फिर हम सेपरेट करके इसे लगा देंगे।
तो इस तरह से इनके भी हम एक प्लांट से कई सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। मैंने दो प्लांट्स मेरे पास में थे तो मैंने इसके चार प्लांट्स डिवाइड करके तैयार कर लिए। नेक्स्ट प्लांट है एस्पैरेगस का। तो एस्पैरेगस का प्लांट भी जैसे पॉट में या हैंगिंग बास्केट में बहुत ही सुंदर लगता है। देखिए फ्रेंड्स, तो ये मेरा जैसे नीचे पॉट में लगा और हैंगिंग बास्केट में भी मैंने इसे लगाया है। तो देखिए इस तरह से यहाँ से ये इसे हम निकाल के सेपरेट करके हम इसके कई सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। और ये भी बहुत ज़्यादा ये प्लांट जो है फैलता है और पूरा जो गमला है पूरे गमले को ये कवर कर लेता है। तो इन्हें हमें निकाल के सेपरेट करना ही होता है। और नेक्स्ट प्लांट है देखिए कैलाथिया। ये जेबरीना कैलाथिया का ये प्लांट है और देखिए ये भी कितना घना हो गया। देखिए कितने सारे इसमें ये प्लांट्स तैयार हो गए। देखिए कितना ये डिवाइड हो गया है, ये अपने आप ये मल्टीप्लाई। तो इन्हें हम निकाल के सेपरेट करके इसके भी हम कई सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कितने सारे ये बेबी प्लांट्स निकालता है। तो ये भी प्लांट बहुत खूबसूरत लगता है हमारे गार्डन में। इन्हें भी हम सेपरेट करके इसके कई सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है देखिए पीस लिली का। तो ये पीस लिली को भी कटिंग से नहीं लगाया जाता है, इन्हें भी हम डिवाइड करके ही लगा सकते हैं। देखिए ये मेरा जो ये गमला है पूरा भर चुका है, तो इसे भी मुझे अभी सेपरेट करना है। इन्हें डिवाइड करके इसके कई सारे प्लांट्स तैयार करना है। तो देखिए फिर भी इसमें बहुत अच्छे से इसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो इन्हें भी जो है डिवाइड करके ही इसके हम कई सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है देखिए सेंसिवेरिया। सेंसिवेरिया भी ये भी बेबी प्लांट्स निकालता है, छोटे छोटे प्लांट्स। ये देखिए मैंने इसमें एक लगाया था, तो देखिए इसमें दो हो चुके। देखिए इस तरह से ये, और ये देखिए छोटे से ये पॉट में, और ये देखिए उससे भी छोटा पॉट। देखिए इसमें कितने सारे ये देखिए बेबी प्लांट्स बन चुके। देखिए एक से ये देखिए दो। तो इस तरह से हम खींच के इनके कई सारे जो है हम प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है एलोवेरा। एलोवेरा का भी देखिए फ्रेंड्स, ये भी अपने आप ये डिवाइड होते जाता है। देखिए ये भी बेबी प्लांट्स निकालता है। तो इन्हें भी हम सेपरेट करके इसके हम अलग अलग पॉट में प्लांट्स लगा देते तो कई सारे प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। और ये मेडिसिनल प्लांट है, इसे तो हमारे गार्डन में होना ही चाहिए। और ये इसके बहुत सारे इसके इस प्लांट के फ़ायदे हैं। नेक्स्ट प्लांट है देखिए स्नेक प्लांट। ये देखिए ग्रीन कलर का, और देखिए ये वेरीगेटेड वाला जिसे मदर इन लॉन्स टंग भी बोलते हैं। और देखिए इस प्लांट को मतलब लीफ से भी लीफ कटिंग से भी लगाया जाता है। और इसे इस तरह से देखिए ये ऐसे बेबी प्लांट्स निकालता है, पफ्स निकालता है। तो इन्हें भी हम सेपरेट करके इसके बहुत सारे जो है हम प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है देखिए स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट में से जो है सकर्स निकलते हैं, जो रनर्स जो बोलते हैं वो उनसे भी ये मतलब ग्रो हो जाता है। और इसे हम डिवाइड करके भी हम इसे इजीली हम इसके एक प्लांट से कई सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। देखिए छोटे से इसमें ये सिरेमिक पॉट में लगाया, तो देखिए कितने सारे ये इसके प्लांट्स बन चुके हैं। तो इन्हें हम निकाल के और इनके भी हम ढेर सारे इसके हम प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है देखिए सुदर्शन का प्लांट। तो ये देखिए सिंगल मेरे पास ये लगा था। देखिए साइड से इसके कितने सारे देखिए इसने ये पफ्स इसके निकल आए छोटे छोटे। ये देखिए बेबी प्लांट आप देख सकते हो। इन्हें भी हम सेपरेट करके इसके भी कई सारे जो है प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। तो अभी मैंने इसे निकाला नहीं है क्योंकि मुझे ये प्लांट पूरा ही निकालना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे खींच लूँगी तो उसमें जड़ें नहीं आएगी तो वो अच्छे से ग्रो नहीं होगा। नेक्स्ट प्लांट है देखिए ऑक्सेलिस, जिसे बटरफ्लाइज भी बोलते हैं। देखिए मैं छोटे से हैंगिंग पॉट में मैंने इसे लगा दिया, और देखिए इसमें कितने सुंदर इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। तो मैंने ये प्लांट जो है अपने एक फ्रेंड के यहाँ से मैं ले आई थी। तो ये जो प्लांट है ये बल्ब से ग्रो होता है, तो मैं डिवाइड करके इसमें बल्ब्स लगे थे उनको मैंने लगा दिया था। और इसमें एक दो लीफ भी थी, तो देखिए अभी इसमें काफ़ी सारे लीव्स भी आ गए हैं। तो ये भी बहुत ईजिली ग्रो हो जाते। तो ये थे वो सारे प्लांट जिन्हें हम कटिंग से नहीं सेपरेट करके ही इन्हें लगाया जाता है। तो आप भी इन प्लांट्स को इस समय ज़रूर लगाएं। तो मेरा ये आज का वीडियो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा तो मुझे कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं। और जो भी नए फ्रेंड्स मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते ही फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। बाय फ्रेंड, टेक केयर।